करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। ये वीकली एनालिसिस भी है, मंथ एंड एनालिसिस भी है, एज वेल एज ईयर एंड एनालिसिस भी है। सो ये जो मंथली कैंडल बनाया हुआ है, एक इंडिसीशंस कैंडल है आपका 2021 एंड 2022 एनुअल बेसिस पे। बैक टू बैक दो स्ट्रॉन्ग मूव करने के बाद कहां से ये दो साल पहले 2021 का जो लो था वो था 89.20 एंड 2022 का जो लो था वो था आपका 94.62 एंड ये साल का जो लो है वो है आपका 99.57। ये जो लो बनाया हुआ है जुलाई मंथ में बनाया हुआ था। तो अभी एक नजर हम मंथली चार्ट पे आते हैं। मंथली का जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल है। यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो ये एक जोन है जहां पे काफी महीनों से ये लेवल टेस्ट कर रहा है। कब कब टेस्ट किया था आपका? फरवरी 2023, देन अप्रैल 2023, देन जुलाई 2023 एंड अभी दिसंबर 2023 में ये लेवल पे आया है। सो यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन बना है मंथली बेसिस पे जनवरी ऑनवर्ड्स, क्या इस सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे के तरफ आएगा? मोस्ट प्रोबेबली ग्रेजुअली डॉलर इंडेक्स नीचे के तरफ आना चाहिए। अभी वीकली क्लोज देखेंगे तो वीकली कैंडल जो बनाया हुआ है एक पिन बार बनाया हुआ है एक सपोर्ट। सो इमीडिएटली आपका 99.60 से 100.00 का एक सपोर्ट लेवल है एज फार एज द वीकली पर्सपेक्टिव इज कंसर्न्ड एंड आरएसआई बिलो 40 एट 37। सो यहाँ पे देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज। एक बार 99.60 100.00 का सपोर्ट जोन वीकली बेसिस में अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो ये और भी फर्दर नीचे आना चाहिए। अभी आते हैं हम डेली पे। डेली पे जो आपका प्राइस बनाया हुआ है ये सपोर्ट लेवल पे, ये जो सपोर्ट लेवल है डेली पर्सपेक्टिव में, कौन सा सपोर्ट लेवल है आपका? 100.80 से 101.40 का जो सपोर्ट लेवल है वहां पे आपका प्राइस आने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। अभी जैसे ही इसका लो को तोड़ेगा, कौन सा लो है आपका? 100.60। इसके नीचे एक डाउनवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डॉलर रुपी का साल का कैंडल देखने का प्रयास करेंगे तो एनुअल बेसिस पे यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हुआ है एक हल्का सा इंडिसिशन कैंडल, छोटा बॉडी कैंडल, उससे पहले 2022 में मैक्सिमम मींस डॉलर रुपी का मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखा गया था फ्रॉम 73.76 टू ए हाई ऑफ 83.28 एंड इस साल में ऑलमोस्ट मींस पूरा का पूरा जो साल है वो आपका लो 80.88 एंड हाई 83.47। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में काफी सॉफ्ट हो रहा है कंसीडरिंग दैट फैक्ट। रुपी में भी एप्रिशिएट करना चाहिए था बट काफी सपोर्ट आ रहा है फ्रॉम इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल हैंड्स का जो आपका सपोर्ट दिख रहा है जिसके कारण ये रेंज नीचे के तरफ 82.80 से 82.90 का सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर हम मंथली प्राइस एक्शंस का देखने का प्रयास करेंगे, एक इंडिसिशन कैंडल है विद ऑल्दो रेड इन कलर बट दोनों तरफ मंथली में प्राइस रिजेक्शन है, नीचे की तरफ भी रिजेक्शन है एंड ऊपर की तरफ भी रिजेक्शन है। सो थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग है इन दिस कैंडल। अगर हम वीकली प्राइस एक्शन को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे ये एक इंडिसिशन कैंडल है बिकॉज अपर लेवल से प्राइस रिजेक्शन किया हुआ है। अभी वीकली पर्सपेक्टिव पे ये सेंटर बैंड में रुका हुआ है। अब कर आने वाले
मीन्स महीने में जनवरी और मार्च अगर ये 82 का सपोर्ट जो है 82 से 83.00 का सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन करते हैं नीचे की तरफ, इन सच केस एक डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनविजिबल हैंड्स आर वेरी एक्टिव इन दिस जोन, सो ज्यादा कुछ हमें आशा नहीं करना चाहिए, ब्रदर हमें इनविजिबल हैंड्स का एक्शंस हमें मॉनिटर करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट का प्राइस एक्शंस देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन जोन में है ऑन द हायर साइड 83.40-85 एंड ऑन द लोअर साइड 82.90-83.00 का। सो जब तक इस कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हम यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। अभी आते हैं आपका जीबीपी डॉलर का कैंडल, मंथली का जो क्लोज है जीबीपी का वो आपका क्लोज दिया है 1.2723। अभी आते हैं जो एक साल का जो कैंडल फॉर्मेशन से, ये स्मॉल छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है बॉटम आउट करने का प्रयास कर रहा है, नीचे की तरफ बॉटम आउट करने का प्रयास कर रहा है। पिछले साल 2022 का हम देखेंगे ऑल इट स्टार्टेड मींस ओपेंड एट 1.3748 2022 पे एंड ट्रेडेड लो ऑफ 1.0356, बट लोअर लेवल पे प्राइस रिसेक्शंस देखा गया है एंड क्लोज एट 1.2085। एंड इस साल में 2023 में जो लो मारा है वो है आपका 1.1802 एंड जो हाई मारा है वो है आपका 1.3142, करेंटली एट 1.2723। सो ईयरली का साल का जो कैंडल है वो लोअर लेवल पे बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है एंड बेस आउट करने के बाद ऊपर का मूव का एक प्रोबेबिलिटी है। अगर हम मंथली प्राइस एक्शन कैंडल का देखेंगे तो मंथली पे एक स्मॉल बॉडी ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, बट आपका दोनों साइड में अपर एंड पे एज वेल एज लोअर एंड पे प्राइस रिजेक्शन है। अपर एंड पे जो प्राइस रिजेक्शन है फ्रॉम 1.2827 से प्राइस रिजेक्ट करके क्लोज दिया है 1.2723 एंड लोअर साइड में 1.25 से प्राइस रिजेक्ट करके ऊपर जाके क्लोज दिया है। सो यहाँ पे एक मीन्स क्लियर कट कैंडल बना नहीं है, एक इनडिसिशन कैंडल है, नाइदर टू स्ट्रॉन्ग नॉर टू वीक। अगर हम वीकली प्राइस एक्शंस का देखने का प्रयास करेंगे, एक स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल बनाया हुआ है एट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है 1.2527 से 1.2760 का। यहाँ पे दो बार ये अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करने के लिए एंड फेल हुआ है। क्या ये जनवरी महीने में इस सपोर्ट जोन को तोड़ के ऊपर सस्टेन कर पाएगा? इन सच केस जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है आपका 1.3180 से 1.3200 का। अगर हम डेली प्राइस एक्शन, ये डेली प्राइस एक्शंस का एनालिसिस हो चुका है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वीकली का जो प्राइस एक्शन है, एक मींस स्मॉल बॉडी ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है विथ प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम द टॉप, ऊपर की तरफ से प्राइस रिजेक्ट कर चुका है, आरएसआई रेजिस्टिंग एट 60, करेंटली एट 58.50। सो वीकली पर्सपेक्टिव में जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर, आरएसआई 60 के ऊपर एज वेल एज प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज नहीं दे देते हैं, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। डेली पर्सपेक्टिव हमने जस्ट वीकली समझ के एनालिसिस किया था, सो इस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करते हैं इन सच ए केस 1.3180 से 1.3200 का जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। दैट मींस द केस बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर मंथली जो क्लोजिंग दिया है 105.93। अगर हम साल भर का कैंडल, एक साल का कैंडल देखेंगे तो इस साल में एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है विथ प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ एंड, ऊपर की तरफ से 107.91 ट्रेड हुआ था एंड नीचे की तरफ 96.75 में ट्रेड हुआ एंड क्लोज जो दिया है साल का वो है आपका 105.93 का। उससे पहले का जो
साल था 2023 में प्राइस काफी नीचे तक डीप डाइव सेल ऑफ हुआ था, 285.12 गॉट रिजेक्टेड एंड क्लोज्ड हायर एट आपका 100.10 पे। सो यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है बार बार। सो कंसीडरिंग दिस एस्पेक्ट, सो नीचे के तरफ काफी सपोर्ट मिलने का प्रयास है। हाइरेस आप अगर ऊपर की तरफ देखोगे इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को जैसे एक बार अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं तब हम ऊपर की तरफ इसको देख सकते हैं। अगर हम मंथली कैंडल का प्राइस एक्शन एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे तो जो मंथली कैंडल है वो एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल है, क्लोज एट 105.92, ऑन द हायर साइड इट इज 106.7 एंड ऑन द लोअर साइड ये 104.25। इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है उसको फेस करना है। जब तक इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करते हैं तो एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम नहीं मिलेगा हमें देखने के लिए। अगर हम वीकली प्राइस एक्शंस को देखने का प्रयास करेंगे, प्राइस रिसेक्शंस एट द हायर एंड, although it's green in color but price rejections upar ki taraf se hua, so thereby considering it as a negative in nature. So yahan pe immediate ek resistance hai 107.40 se 108.00 ka ek resistance, usko upar ki taraf breakout karna hai agar isko upar jana hai to। agar hum daily price analysis karne ka prayas karenge to daily mein bhi ek resistance zone hai usko तोड़ के ऊपर जाने के लिए पहले इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। यूरो डॉलर जो मंथली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.1037। साल भर का अगर एक्टिविटी देखेंगे 2023 में जो यूरो इट्स बुलिश इन नेचर बट प्राइस सेक्शन जो था रिजेक्शंस एट बोथ साइड, ऊपर की तरफ भी रिजेक्ट किया एंड लोअर लेवल पे भी रिजेक्ट किया। नीचे की तरफ ये ट्रेडेड लो ऑफ 1.0448 एंड ऊपर की तरफ 1.1275, बट लिटिल बिट ऑफ बुलिश इन नेचर। एंड अगर प्राइस सेक्शन देखेंगे ओवरऑल ईयरली कैंडल का तो क्या देखा जाएगा कि ये बॉटम आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। सो यहाँ पे आपका 1.04 का एक स्ट्रॉन्ग ईयरली बेसिस पे एक सपोर्ट लेवल है। मंथली कैंडल का अगर देखेंगे तो इट्स ए मींस बुलिश कैंडल, लेकिन यहां पर भी प्राइस रिजेक्शन से बोथ साइड पे नीचे की तरफ भी एंड ऊपर की तरफ। दैट बीइंग द केस यहां पे एक जोन है ऑन द लोअर साइड 1.05 का एंड ऑन द हायर साइड 1.1150 का एक जोन है। इस जोन को ब्रेकआउट करना है अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो। वीकली प्राइस एक्शन का देखेंगे तो आपका प्राइस जो है एक इन्वर्टेड पिन बार कैंडल बनाया हुआ है प्राइस रिजेक्शन से हायर रेंज रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस रिजेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे हल्का सा वीकली बेसिस पे एक हल्का सा नेगेटिव देखा गया है। इसको अगर हाई के ऊपर लास्ट वीक के हाई के ऊपर अगर प्राइस मूव करते हैं तो इन सच ए केस एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आपका 1.1275 का उस तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। RSI at 60.89 यहाँ पे हमें केयरफुल होना है, क्या वीकली RSI 60 में रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आते हैं या 60 के ऊपर सस्टेन करते हैं। अगर डेली प्राइस एक्शन का देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है, सो बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। यूरो INR जो मंथली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 91.86। अगर साल का कैंडल का देखेंगे काफी बुलिश इन नेचर, क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट एट द हाई ऑफ द कैंडल पे हुआ है। साल भर का जो एक्टिविटी है ट्रेडेड लो ऑफ 86.28 हाई ऑफ 92.66 यहाँ पे एक इमीडिएट ऑल टाइम हाई यूरो INR पे है। क्या 2024 में इस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा यूरो INR ये हमें देखना पड़ेगा। मंथली कैंडल में अगर हम देखेंगे तो एक ऑल्दो बुलिश कैंडल बट प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ साइड लो नीचे के तरफ भी एंड ऊपर के तरफ भी। सो दैट मीन द केस जैस आपको इसको अगर अपवर्ड बायस में जाना है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है
उसके ऊपर जाके क्लोज देना पड़ेगा। वीकली अगर प्राइस का देखने का प्रयास करेंगे तो एक इन्वर्टेड पिन बार प्राइस रिजेक्शन एट द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल। क्या ये आपका अगले हफ्ते या उसके बाद आने वाले हफ्तों में इस वीकली कैंडल का जो लास्ट वीक ऑफ द साल ईयर का जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज देता है? इन सच केस एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली प्राइस में अगर देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, सो बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। डॉलर येन जो मंथली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 140.98। अगर ईयरली कैंडल को देखेंगे ये आपका ग्रीन कलर का कैंडल है, एक ग्रीनिश पुलिस कैंडल, लेकिन प्राइस रिएक्शन मेनली फ्रॉम द हायर एंड, ऊपर की तरफ 151.790 का प्राइस ऊपर से नया प्राइस रिजेक्ट हुआ है। बैक टू बैक 3 साल ये ग्रीन कैंडल फॉर्म किया हुआ है, सो एनुअल बेसिस पे डॉलर गेन किया हुआ है अगेंस्ट द ईएन के अगेंस्ट। मंथली कैंडल का अगर हम देखेंगे, मंथली इज ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जिसके नीचे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल का हमने देखा है एक प्राइस एक्शन। दैट बीइंग द केस, कंसीडरिंग दिस केस, सो आने वाले महीनों में सेल ऑप्टिक्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। वीकली पर्सपेक्टिव में कैंडल जो है ये भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, सो सेल ऑप्टिक्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस। डेली में भी प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहे, सो सेल ऑप्टिक्स मे बी कंसीडर्ड। येन आईएनआर जो मंथली क्लोज दिया है 58.98, सो 59 लेवल पे। अगर हम इसको साल का कैंडल देखेंगे, एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है जो मीन्स ऑल्दो रेड इन कलर बट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। अगर मंथली कैंडल का देखेंगे तो मंथली में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। दैट बीइंग द केस, आने वाले महीने में जनवरी ऑनवर्ड्स एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं येन आईएनआर करेंसी पेयर पे। वीकली कैंडल को हम अगर देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है कहां पे 59 से 59.75 का एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन एरिया है, उसको ऊपर जाना है तो इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जो इमीडिएटली नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, टूवर्ड्स 63। और डेली प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली हायर लो बना रहे हैं। अगर डॉलर कैंडी का प्राइस एक्शन देखेंगे, साल का मंथली जो कैंडल क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 132.3243। एक साल का अगर कैंडल का साल का एक्टिविटी को अगर हम कैप्चर करने का प्रयास करेंगे, एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, उससे पहले 2022 में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ था, एंड इस साल जो एक्टिविटी हुआ है 1.3899 ऑन द हायर साइड एंड 1.3092 ऑन द लोअर साइड, एक नेगेटिव हल्का सा बायस यहाँ पे साल का कैंडल के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मंथली कैंडल का देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है, सो ऐसा लगता है कि मीन्स जनवरी ऑनवर्ड्स यहाँ पे फर्दर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो वीकली एनालिसिस है, वीकली का जो कैंडल बनाया हुआ है एक पिन बार बनाया हुआ है विच इज लिटिल बिट बुलिश इन नेचर, यानी यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड, मींस यहाँ पे इस बुलिश कैंडल के लिए थोड़ा अपवर्ड बायस हो सकता है, वहां पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। एंड डेली पे अगर हम देखेंगे ये लोअर लेवल से प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहे, सो सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड हियर ऑल्सो। $80 का जो मंथली क्लोज दिया हुआ है ये 0.6810 पे क्लोज दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे साल का कैंडल का देखेंगे, एक इंडिसिशन कैंडल बनाया हुआ है आपका
एक इंडिसिशन कैंडल बनाया हुआ है, एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। सो यहाँ पे उससे पहले का जो 2022 का प्राइस एक्शन था वो था आपका एक नेगेटिव कैंडल, लेकिन इस साल एक इंडिसिशन कैंडल बनाए हुए हैं। एंड मंथली का प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो मंथली पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। सो मंथली पर्सपेक्टिव पे ये बाय डिप्स में भी कंसीडर्ड विथ एन इमीडिएट मींस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है मंथली पर्सपेक्टिव पे वो है आपका 0.7050 से 0.7050 से 7150 का इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर वीकली चार्ट का हम देखने का प्रयास करेंगे तो ये ऑल्दो ग्रीन इन कलर बट इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, जो आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। प्राइस रिएक्शन द हायर एंड दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका एक इमीडिएटली एक प्राइस रिएक्शन जोन है ऑन वीकली पर्सपेक्टिव जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। इसको अगर ऊपर जाना है तो इस वीकली पर्सपेक्टिव में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 0.6870 से 0.6900 इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है। डेली पर्सपेक्टिव में आपका प्राइस एक्शन जो है हायर हाई हायर लो बना रहे हैं। करेंटली जो लास्ट कैंडल है एक इंडिसिशन कैंडल है, सो बाय डिप्स मे बी कंसीडर। शायद 0.6700 से 6720 की तरफ अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो हम यहां पे देख सकते हैं। CNH जो मंथली क्लोज दिया हुआ है 7.1220 का, अगर साल का कैंडल देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, एंड मंथली में अगर कैंडल का देखेंगे तो एक डोजी कैंडल बनाया हुआ इंडिसिशन। तो यहाँ पे एक इंडिसिशन मंथली पर्सपेक्टिव में बरकरार रहने का हायर प्रोबेबिलिटीज है, और वीकली प्राइस एक्शंस का देखने का प्रयास करेंगे तो एक यहाँ पर भी इंडिसिशन कैंडल्स है, एक पिन बार है एट ए सपोर्ट जोन, और डेली का पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल पे मीन्स एक सपोर्ट जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसको अगर नीचे जाना है तो इस जो जोन है इसको क्लियर करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन CNH में एक फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर का जो मंथली क्लोजिंग दिया हुआ है 77.81, अगर साल का कैंडल देखेंगे एक रेड कैंडल बनाया हुआ है विद प्राइस रिएक्शंस ऑन द बोथ साइड्स। ऊपर की तरफ आपका 97.43 का हाई है एंड नीचे की तरफ 71.54 एंड क्लोजिंग एट 77.81। ये फ्यूचर ब्रेंट क्रूड फ्यूचर का कैंडल का एनालिसिस है। एंड मंथली में प्राइस का अगर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है बट नीचे की तरफ प्राइस रिसेक्शन है। सो बैक टू बैक तीन रेड कलर का मंथली कैंडल बनाया हुआ है। सो यहाँ पे नीचे ये सपोर्ट जोन पे 72 के बीच में एक सपोर्ट जोन का है। अगर हम इसको वीकली पर्सपेक्टिव में देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव कैंडल बैक टू बैक बना रहे हैं, एंड ये आपका 72 से 73 के बीच में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे जो वीकली कैंडल बनाया हुआ है प्राइस एक्शंस बनाया हुआ है यहाँ पे एक 25 दिसंबर वीक का जो हाई है That becomes an importance, 81.73. इसके हाई के ऊपर हमारा जो 84 का एक टारगेट हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा बोथ साइड कंसोलिडेट करने का प्रोबेबिलिटीज है। और डेली पे अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, पहले जो रेजिस्टेंस था वहां पे सपोर्ट में रुकने का प्रयास कर रहा है। डेली पे क्या आने वाले दिनों पे RSI 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा ये हमें देखना है। बेसिकली यहाँ पे एक इनडिसिशन जोन बनाया हुआ है ऑन द लोअर साइड 73.30 का एंड ऑन द हायर साइड 82 का, उसमें प्राइस को क्लियर करना है क्या ये मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, उसके बाद ही कुछ डिसीजन हम ले पाएंगे। US 10 ईयर ट्रेजरी का जो मंथली क्लोजिंग दिया हुआ है वो है आपका 3.866 पे। अगर यहाँ पे हम साल का कैंडल का प्राइस एक्शन देखेंगे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है ऊपर की तरफ आपका 5.021 एंड नीचे की तरफ आपका 3.253। सो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है जहां पे मींस एज पर द मींस मार्केट परसेप्शंस ये मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स रेट कट चालू होने वाला है। इस साल में हमें देखना है कि कितना रेट कट करते हैं, क्या 3 रेट कट करेगा, क्या 6 रेट कट करेगा, या व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स।
एंड मंथली के कैंडल को देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। दैट मींस यहाँ पे मंथली पर्सपेक्टिव पे जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो है आपका ये लेवल, ये है आपका 3.29 से 3.40 का, 3.30 से 3.40 का मंथली पर्सपेक्टिव में एक सपोर्ट कैंडल नंबर जोन हो सकता है। यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। वीकली पर्सपेक्टिव का अगर चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे, ये नीचे की तरफ प्राइस रिजेक्शन इस हफ्ते में भी हुआ है, पिछले हफ्ते में भी प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड था, इस हफ्ते में भी हुआ है। एंड ये एक डोजी कैंडल इन पिन बार कैंडल बनाया हुआ है, सो शायद यहाँ पे थोड़ा सा वीकली पर्सपेक्टिव में प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढना है। डेली का जो प्राइस कैंडल बना है नीचे की तरफ कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का प्रयास करना है। अगर आपका 4.00 से 4.05 का एरिया को हमें मिलता है, वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना चाहिए। इवन टू ईयर ट्रेजरी का जो मंथली क्लोजिंग है वो है आपका 4.25 पे। मंथ ईयरली कैंडल को देखेंगे तो एक डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, दोनों तरफ में प्राइस रिजेक्शन से आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग बुलिश अप मूव ड्यूरिंग 2022। सो 2023 में जो रेंज बनाया हुआ है नीचे की तरफ आपका 3.55 का, ऊपर की तरफ 4.26 का एंड क्लोज टू 4.25। सो यहाँ पे एक इंडिसिशन मीन्स एज फार एज द ईयरली कैंडल इज कंसर्न इट्स इंडिसिशन कैंडल। अगर मंथली कैंडल देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, जो नेगेटिव कैंडल ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं नीचे जाने के लिए तैयार। यहाँ पे एक चीज देखने वाला है कि RSI 58.65 में है मंथली RSI। सो जनवरी मंथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 60 में सपोर्ट लेके ये प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए, जो थोड़ा सा रिमोट लग रहा है। अगर वीकली प्राइस एक्शन को देखने का प्रयास करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल क्लोज दिया है, बैक टू बैक तीन नेगेटिव कैंडल्स वीकली नेगेटिव कैंडल्स बनाए हुआ, सो यहाँ पे सेलिंग स्पीड बरकरार है। डेली का देखेंगे तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहे हैं, सो सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। ये जो एनुअल एनालिसिस है अभी के लिए इतना ही, आज के दिन थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, 27 मिनट का वीडियो हो गया। सो आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड विश यू ऑल ए हैप्पी प्रॉस्परस प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी न्यू ईयर। थैंक यू।